बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये बहावलपुर शहर है और ये मशहूर ज़माना फवारा चौक है। यहाँ पे पांच सड़कें इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल सामने बाईं तरफ सर्कुलर रोड है, अब जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है इसके मुखालिफ सिमत में, वो नूर महल और छौनी की तरफ जाती है। ये सामने देखें तो एक और बाएं तरफ रोड जा रही है जो अहमदपुर ईस्ट की तरफ जा रही है। ये दाएं तरफ जो नज़र आ रही है ये सराइकी चौक को गई है और ये हम शहर के अंदर जाना चाह रहे हैं, शहर की सकाफत और उसका विज़िट करने के लिए, सकाफत देखने के लिए। ये अहमदपुर ईस्ट गेट कहलाता है जहाँ से हम बाज़ार में दाखिल हो रहे हैं। नवाबों का शहर बहावलपुर जो एक रियासत होती थी किसी में हिंदो पाक से पहले, नहायत अच्छे लोग, मिलनसार। ये देखें सकाफत की चीज़ें, दीपियाँ, उससे नहायत मिलनसार लोग हैं, कुछ इखलाक हैं और दीन मिजाज के हैं। जराइम की शरह यहाँ पे बहुत कम है और थोड़ा सा जो विजिट करते हैं ये ज़रा देखिए वर्कशॉप आ गई है, ज़बरदस्त किस्म के टीचर नज़र आ रहे हैं, लाइफर नज़र आ रहे हैं। तो ये पुराना कल्चर, रेड़ी पे दुकानें, एक बाज़ार में हर तरह की दुकानें हैं, मखसूस मार्केट नहीं है। किसी भी बाज़ार में आप चले जाएँ तो आपको हर तरह की चीज़ नज़र आएगी। अब ये देखिए खूबसूरत परिंदे, कबूतर, ये इस बाज़ार में ये अब देखें 350 में कुसा मिल रहा है। ये नहायत पुराना काफी कल्चर, मिट्टी के बर्तन जो अभी बड़े शहरों में तो तकरीबन नायाब हो चुके हैं लेकिन कुछ छोटे शहरों में ये देखें चंगेर, क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनी हैं। अब ये हम दाखिल हो गए हैं ख़वातीन के मशहूर और मरूफ और पॉपुलर किस्म का बाज़ार, यहाँ पर जो है मस्जिद, ये ऊपर बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद खासी बड़ी है, तो ये उसके नीचे ये सारा बाज़ार बना हुआ है जिसमें ख़वातीन की दिलचस्पी की बहुत सारी चीज़ें मैसर हैं। तो ये देखिए जी पुराना कल्चर जो बड़े शहर में तो नापैद ही हो गया है। बर्फ़, ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है, आप उस पर ज़रूरत लेके इस्तेमाल कर सकते हैं कूलर वगैरह में। और पार्टी में आपने बोतलें देखी होंगी, वो ठंडी पानी में रखी हुई हैं, ठंडी बोतल आपको मैसर हो जाएगी। ये देखेंगे बाज़ार, छोटी छोटी गलियाँ, लेकिन अब आप देखें यहाँ पे आपको बाज़ार में कपड़ा भी नज़र आ रहा है, क्रॉकरी भी नज़र आ रही है, ज्वेलरी भी नज़र आ रही है और ये जो पुराने कल्चर होते हैं जब ख़वातीन अमूर खानादारी में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी और ज़्यादा माहिर होती थी, उनके किस्म की यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जिसे वो बटन, गोटा, लैस वगैरह कहते थे। ये देखिए तो ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और लेकिन कल्चर के हिसाब से है। अब यहाँ पे इतना, अब इसमें आपको नज़र आएंगे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, झुमके वगैरह जो आज बड़े शहरों में तो कोई इस्तेमाल नहीं करता या पसंद करता, लेकिन एक बहुत अच्छा पंजाब का कल्चर था, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन थे जेवरात के। ये छोटे बाज़ार में भी अब ये आपको जो है वो प्लास्टिक की क्रॉकरी, ये खिलौने, जूतियाँ, और सबसे बड़ी बात आप ये नोट कीजिए कि यहाँ पे ख़वातीन ने अपने आप को बुर्का में या चादर में पहन के, अब ये देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बंगा, आजकल पता नहीं किसी को इनका पता भी है या नहीं,
ये जी कुछ बेड शीट के डिज़ाइन हैं जो लोकल करोड़ पक्का में बनती है, ठप्पे वाली बेड शीट, बहुत खूबसूरत, बहुत पायदार और बहुत सस्ती। मैं हमेशा जब भी विज़िट करता हूँ तो लाजमी ये बेड शीट लेता हूँ, क्योंकि ना इनके रंग ख़राब होते हैं, डिज़ाइन बड़े खूबसूरत हैं और सस्ती भी बहुत हैं बनस्बत जो शहरों में मिलती हैं। अब ये देखें, ये एक प्रिंट में है, पहले तो ये इसको टाई एंड डाई बोलते थे, अब मॉडर्न ज़माना है, कंप्यूटर से प्रिंट बना के प्रिंट कर लेते हैं।